स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर। जैसे कि आज सक्षम ग्रुप और ब्लड कमांडो टीम की तरफ से ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया, इसका करने का मकसद क्या है? मुख्यतः क्या है कि ब्लड कमांडो टीम कभी भी ऐसे कैंप्स नहीं लगाती है मोस्टली। ये हमारा मैन टू मैन हेल्पिंग प्रोसेस है हमारा, कि जैसे किसी की अर्जेंट नीड, लाइफ खतरे में, तो उनकी हेल्प करते हैं हम लोग। बट ये फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट कैंप जो हम लगा रहे हैं, इसका मकसद ये कि हमारे कई लोग ऐसे जो कि ऑफिस में जॉब करते हैं या बिजी होते हैं लाइफ में, वो वाले टाइम पर हमारी हेल्प नहीं कर पाते, लोगों की हेल्प नहीं कर पाते हैं। बट वो कहते हैं कि सर कभी कोई कैंप लगा ली जहाँ हम इकट्ठे छुट्टे करके ब्लड डोनेट करने आ सके, तो ये उनके लिए खासकर उनको बुला के हम उनके लिए हम लगवाए एक तरह से। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको कि ब्लड कैंसर, जिनको थैलासीमिया है, ऐसे कई बच्चे हैं और उनको हर दो हफ्ते में ब्लड चाहिए होता है जीने के लिए, तो स्पेशली उनके लिए हमारा ब्लड उनके लिए जाएगा जिन बच्चों को थैलासीमिया है, उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा सर, जैसे कि ये ब्लड कैंप लगा है जी, उसमें किसने सहयोग किया है? देखिए, एक सक्षम है जो कि दिव्यांगजनों के लिए काम करती है। दूसरी जो सपोर्टिंग हैंड उनकी हम लोग हैं, वो ब्लड कमांडोज इंडिया। ये ब्लड कमांडोज इंडिया के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि ये एक ऐसी फैमिली है जो कि मैन टू मैन लोगों की हेल्प करती है टाइम पे, जो कि मैन टू मैन लोगों की हेल्प करती है। किसी पेशेंट की लाइफ खतरे में तो उनका फ़ोन आता है, हम उनकी हेल्प करवाते हैं मेनली। तो बस दो ही है, और मेन अपना कॉलेज है एक सोमेश दादन कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट है, और ये अपना कॉलेज 1967 से चल रहा है अब तक। एंड ये स्पोर्ट्स में साइंस में टॉप 5 में आता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे कॉलेज है ये, एनी मतलब बेस्ट कॉलेज है अपने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना ये जी। अच्छा सर, लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ब्लड डोनेशन एक ऐसा कार्य है कि हमारे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अब मिलता सब कुछ है सामने वाले को। हम बिना कुछ दिए हम बहुत कुछ दे देते हैं, जीवन देते हैं हम लोग। एक यूनिट ब्लड जो हम देते हैं वो हमारा कल नेक्स्ट डे बन जाता है, 48 आवर्स में ब्लड बन जाता है जो हम ब्लड डोनेट करते हैं एक यूनिट। बट उस एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है, उस हमारे एक यूनिट से हमने दिया कुछ नहीं, जो बॉडी के पास वही दिया हमने। ऐसे फ़ायदा हमें ही है, डायबिटीज शुगर नहीं होगा, ब्लड का होता ब्लड मीठापन कम होता है, इससे ऐसे 3 लोगों की जान बच जाती है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है कि हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, समाज के लिए, मानवता के लिए और अपने आप के लिए भी। जी, पी न्यूज़ हमारे ब्लड कमांडोज फैमिली का एक अहम पार्ट है कि हमेशा हमारे लिए खड़ी होती है और सही कॉज में हमेशा साथ देती है, और अब तक पी न्यूज़ ने सही चीज़ों को ही आगे प्रमोट किया है। तो हम कामना करते हैं कि पी न्यूज़ ऐसी सही रास्तों पर काम करती रहेगी, सही रूप से चलती रहेगी, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी प्रभाव में, अपने ही चलेगी अपने स्वभाव में। वंदे मातरम। जय स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मैम आज जो ये सक्षम इंद्रप्रस्थ और ब्लड कमांडो टीम की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सक्षम के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हम ब्लड कमांडोज टीम फैमिली, जस्ट बिकॉज सक्षम थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वैसे मैं डोनेशन कैंप को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जहाँ थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात आती है वहाँ मैं फुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो थैलेसीमिया पेशेंट वो बच्चे होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड एवरी वीक, हर हफ्ता उन्हें एक ब्लड की नीड होती है, और वो सिर्फ हमारे डोनर्स पे रहते हैं कि उन्हें ब्लड मिले तो आगे उनकी लाइफ चले। तो इसी चीज़ को हम सपोर्ट करने के लिए ब्लड कमांडोज फैमिली आई है सक्षम को सपोर्ट करने के लिए, उनकी टीम को हेल्प करने के लिए। थैंक यू एंड जय हिंद। आगे हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमारे वॉलेंटियर जो डोनर हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वी आर लाइफ सेवर, क्योंकि हम उन्हें लाइव ही भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कैंप करके ब्लड कलेक्ट करते हैं, हम सिर्फ वो लोग हैं जो अगर किसी नीडी पर्सन को हेल्प की नीड होती है तो ऑन टाइम करते हैं, एंड ब्लड के उस पर भी हेल्प करते हैं। बट मेडिसिन हो गया, या जिनको खाना नहीं मिल रहा है या कोई रोड पे है, उनकी भी हेल्प करते हैं। तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम एक नेशनल लेवल पे ऐसी टीम क्रिएट करें जो ऑन टाइम किसी भी फैमिली की हेल्प करे जो परेशान है, मुसीबत में है। तो थैंक्स। अच्छा, पूनम जी, जैसे कि ब्लड कमांडो का नाम लिया आपने, ब्लड कमांडो की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को? मैं ब्लड कमांडोज की डोनेशन को लेकर मैं ब्लड कमांडोज की तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हर वो यूथ को ब्लड डोनेट करना चाहिए जो कैपेबल है, जो एलिजिबल है, कि अगर वो ब्लड डोनेट करता है तो ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेशन से नुकसान आता है। कई लोगों को देखती हूँ मैं, सुन कहते हुए कि कोई बेनिफिट नहीं है, क्यों डोनेट करना, नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होता, आप ब्लड डोनेट करके सामने वाले की हेल्प तो करते ही करते हैं, अपनी भी करते हैं। हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों को आप अपने से दूर कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर में नया खून बनेगा, प्लस शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं, जो ब्लड के रक्त हैं, उनमें सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो
मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई ब्लड डोनेट करे। अगर कोई नहीं ब्लड डोनेट कर पाता है किसी भी कारण से, तो वो अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। मैं पी न्यूज़ के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि हम पी न्यूज़ के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें, आगे अच्छा काम करें और पी न्यूज़ भी हम एक अच्छे लेवल पे जाए, ताकि हम भी फ्यूचर में इनके साथ काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी देखें कि हमारी ये पी न्यूज़ लाइफ में बहुत आगे काम करें। अभी भी कर रहे हैं, मैं नोटिस करती रहती हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बताइए। सर, ये हमारे को मौका दिया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से और सब की तरफ से। हमारा ब्लड कमांडो ग्रुप के नाम से एक ग्रुप है, टीम है जिसपे हम वर्क करते हैं ब्लड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट के ऊपर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी दिव्यांग जो थैलेसेमिया पेशेंट होते हैं उनके लिए जो कोलैबोरेशन करके सक्षम के साथ अपना ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था, जो कि काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, जिसमें हमारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी सपोर्ट मिली है और स्वामी सदानंद कॉलेज से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। और आपके ब्लड डोनेशन करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, तो आपको ब्लड डोनेशन हमेशा करना चाहिए हर 4 महीने के बाद। उससे आपको आपकी हार्ट अटैक की समस्या दूर होती है, बीपी वगैरह की भी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, और एक यूनिट ब्लड से आप 3 लोगों की जान बचाते हैं, और आपको इसका फील भी काफ़ी अच्छा आएगा। आप एक बार ब्लड डोनेट जब आप करेंगे तो आपको इच्छा होगी कि आप बार बार करेंगे, क्योंकि आपका मन से उस चीज़ की उसका डर भी दूर होगा, और लोगों के समाज के प्रति एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, और आगे चल के मतलब आपको आपने जिसकी मदद करी, क्या पता भविष्य में आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो वो आपकी मदद करे। अच्छा सर, जैसे कि ब्लड कमांडो टीम का नाम दिया आपने, टीम में कितने कोर टीम में कितने मेंबर हैं एडमिन पैनल में? कोर मेंबर में हमारे काफ़ी लोग हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे विकास कुमार विजय जी, ये फाउंडर हैं यहाँ के ब्लड कमांडो ग्रुप के, फाउंडर है विकास कुमार विजय, और पूनम जी हैं, ये कोर मेंबर में आती हैं, विकास मरोलिया जी ये हमारे कोर मेंबर में आते हैं, लवली जी जो कोर मेंबर में आती है, आज उनका एग्ज़ाम था जिस कारण से वो सुबह ही निकलना उनको पड़ा, और डॉक्टर संदीप कपूर जी हैं हमारे साथ एम्स के, वो भी हमारे कोर मेंबर में आते हैं। तो ऐसे बहुत से नामी इंसान भी हैं जो हमारे कोर मेंबर में आते हैं, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए। बाकी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग रक्त जान ज़रूर कीजिए, आपकी एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है, और आपकी आपके लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। जय हिंद, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ब्लड डोनेशन तो बहुत ही एक अच्छा कार्य है, इसके माध्यम से हम किसी की जान बचा सकते हैं, और जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, जितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं, उनमें हम छात्रों को मोटिवेट करते हैं कि वो ब्लड डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन से हम किसी की जान बचा सकते हैं, और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए ब्लड डोनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है जिनको के अंदर ब्लड की कमी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय में हमारे जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग, उनके नेतृत्व में आज एनसीसी और दूसरे हमारे जितने भी कॉलेज के विभाग हैं उनके द्वारा मिल करके ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया गया है, मैं अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ, और हम अधिक से अधिक छात्रों को मोटिवेट करते हैं कि वो अधिक से अधिक जो है ब्लड डोनेशन करें, रक्तदान करें। ऐसा कहा जाता है कि रक्तदान महादान, सबसे बड़ा दान जो है वो रक्तदान है, तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर।
जैसे कि आज मैम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया स्वामी सनातन कोदी जी ने, क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? सर, हमारे यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है वो सक्षम की तरफ से लगा है, और ये खास तौर पे उन बच्चों उन लोगों के लिए है जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। तो ये एक अनोखा अनूठा उपयोग किया गया है, जहाँ पर जो दिव्यांगजन, उनको हम दिव्यांगजन मानते हैं सक्षम में, जो कि जिनके शरीर में अपना खून नहीं बन पाता, तो उनके लिए हमारे विद्यार्थियों ने सबने मिलकर बहुत अच्छे से योगदान दिया है, और हम अपने बच्चों के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। दे आर गोइंग टू मेक फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा मैम, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, ब्लड डोनेशन के बारे में और स्टूडेंट्स को या जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप डोनेशन से रिलेटेड? ब्लड डोनेशन, हमारे शरीर में नया रक्त बनता रहता है, तो पुराना रक्त निकलेगा तो नया रक्त और अच्छे से हमारे को ऊर्जा देगा। तो ब्लड डोनेशन से किसी को कोई नुकसान नहीं है, अगर हम स्वस्थ हैं ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हम कई जानों को बचा भी सकते हैं। और बच्चों से यही अनुरोध है कि अपने आप को स्वस्थ रखें और दूसरों के काम आए, पहले खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ होने में मदद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। स्वागत है आपका। धन्यवाद बंधु। जैसे कि आज ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया स्वामी सनातन कॉलेज, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत ही बढ़िया। आज ये स्वामी सनातन कॉलेज सक्षम और ब्लड डोनेशन कमांडो टीम जो है, इसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये बहुत ही जरूरी है। यह रक्तदान भी नर सेवा, नारायण सेवा का ही एक रूप है, और इसका रक्तदान करने से हम बेसिकली ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए किया जा रहा है, जो मेरी जानकारी में है। बच्चों की तो इससे सहायता होगी ही, हमारा अपना भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसी मुझे जानकारी है कि 40 वर्ष के बाद हमारा खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और हम साल में 6 महीने में यदि ब्लड डोनेट कर देते हैं तो इससे हम भी स्वस्थ रहते हैं और अन्य समाज के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। इसी से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। ज़रूरी नहीं कि हम सब सेना में हों या पुलिस में रहकर ही देश सेवा, समाज सेवा करें, बल्कि यदि हम स्वस्थ हैं तो अपना रक्तदान करके भी समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और युवाओं की इसमें बड़ी भूमिका रही। इसमें जो वर्ल्ड कमांडो टीम के विकास जी हैं, विजय जी हैं, और ये पूजा यादव, पूनम यादव नाम की लड़की थी, इनका 10 दिन पहले से लगातार बच्चों से मिलना और प्राध्यापकों से भी मिलना, कॉलेज में आना, और ये सारा आयोजन इसकी पृष्ठभूमि में रहे। बड़े सक्षम की तो खैर अपनी टीम है ही, लेकिन इन बच्चों का भी बड़ा प्रोत्साहन रहा, और इन्हें देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी रक्तदान करना चाहिए, और ये एक बड़ा अवसर है, हम सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए और समय समय पर ये राष्ट्रहित में रक्तदान करना चाहिए। राष्ट्रहित ही नहीं बल्कि हमारा व्यक्तिगत हित भी इससे ज़्यादा है, ताकि हम भी स्वस्थ रहें, ऐसा मुझे लगता है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद बंधु। जय हिंद, जय भारत।